तो क्या हाल चाल है दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। सरकार पबजी बैन कर रही है, पबजी वाले अब टेंशन से अपना रिश्ता जोड़ रहे हैं, मतलब उम्मीद ये आ रही समझ में कि पबजी अब इंडिया में वापस आ रहा है, लेकिन ये पोको वाले पता नहीं कब सुधरेंगे, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। मतलब उम्मीद थी कि कुछ अपना नया लेके आएंगे, लेकिन ये वापस ही रिब्रांड वाला सिस्टम फिर से शुरू कर दिए। हालांकि जैसे पोको X2 को रिब्रांड किए थे Redmi K30 से, फिर पोको M2 Pro को रिब्रांड किए Redmi Note 9 से जो ग्लोबल लॉन्च हुआ था, फाइनली पोको M2 भी लॉन्च किया लेकिन जो रिब्रांड किए हैं Redmi 9 Prime से। तो मतलब खुद की कंपनी से खुद में ही कंपटीशन, समझ नहीं आ रहा है। अगर इन दोनों फ़ोन को देखा जाए, Redmi 9 Prime को पोको M2 को, तो एक रैम का डिफरेंस है। रैम मतलब कि इस जो पोको M2 है 6GB रैम से स्टार्टिंग कर दी है, जबकि Redmi 9 Prime था वो 4GB रैम से था। मतलब 464 की प्राइस 9,999, 4128 की प्राइस 10,999, और जो पोको M2 लॉन्च हुआ 664 की प्राइस 10,999 और 6128 की प्राइस 12,499। ओवरऑल जो फीचर्स हैं सेम है, मतलब कुछ भी अंतर नहीं है। डिज़ाइन, डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी, फास्ट चार्जिंग, सब कुछ टोटली सेम है। लेकिन बैटरी में थोड़ा अंतर है। Redmi 9 Prime में 5020mAh की बैटरी थी, जबकि Poco M2 में 5000mAh की बैटरी है। तो थोड़ा बैटरी में अंतर देखने को मिला है। मतलब रैम बढ़ा दिया 6GB का और बैटरी को कम कर दिया, बाकी डेटो कॉपी है, कोई फर्क नहीं दोनों स्मार्टफोन में। वो अगर अब प्राइस पता गया, 9,999 464, 10,999 664 और 10,999 में 4128, 12,499 में 6128, मतलब ये कुछ प्राइस सिमिलर रखी गई है। सवाल ये है कि क्या हमें 664 वाला वेरिएंट लेना चाहिए? चॉइस आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। 10,999 के प्राइस में 4128 वाला वेरिएंट आएगा और 10,999 के प्राइस में 664 वाला वेरिएंट आएगा, मतलब आपको 4 से 6GB रैम मिल जाएगी। और 12,499 के आसपास इनका जो वेरिएंट है 6128, वो तो नेसेसरी है, किसी काम का नहीं है। मतलब अगर उसमें थोड़ा बहुत या 1,000-1,500 रुपये एक्स्ट्रा डाल के पोको का M2 Pro का बेस वेरिएंट लिया जा सकता है, वो जो कि इस वाले फ़ोन से ज़्यादा 100 गुना अच्छा है। फीचर्स ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है दोनों का, मतलब 6.53 इंच की HD फुल HD प्लस की LCD डिस्प्ले, MediaTek का Helio G80, 13852 का कैमरा, 8 की सेल्फी, 5000mAh की बैटरी और USB टाइप सी पोर्ट के साथ 18W की फास्ट चार्जिंग, ये फीचर है। पोको लॉन्चर मिलेगा, MIUI 12 मिलेगा, तो ये Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स है। तो ये फीचर्स वही हैं जो Redmi 9 Prime में है। ओपिनियन यही है कि अगर आप चाह रहे हो कि आपका बजट फिक्स है 9,999, तो मेरे हिसाब से आपको Redmi 9 Prime के साथ जाना चाहिए। पोको क्या बोलूँ मैं, पोको M2 के बारे में कुछ खास है नहीं, सेम चीज़ें डिट्टो कॉपी है। मतलब रिब्रांडिंग के दौर पे चीज़ें हो रही हैं। मुझे लगा था पहले कि जो पोको X3 है वो भी रिब्रांड करेंगे किसी न किसी से, लेकिन वहाँ पर इन्होंने फ्रेश प्राइस दी है, तो वो चीज़ मुझे सही लगी कि पोको X3 को इन्होंने एक नई डिज़ाइन, नया प्रोसेसर, हालांकि डिस्प्ले वही है जो पोको X2 में दी गई है, बाकी थोड़ा बहुत चीज़ें उसमें ऊपर नीचे करके लॉन्च किया गया है। हालांकि ये फ़ोन इंडिया में भी आएगा, लेकिन कब आएगा अभी एक आध हफ्ते 10 दिन हो गया। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था ना कि पबजी वापस आने की सोच रहा है, लेकिन मुझे लगता है पोको वाले वापस आने की बात नहीं सोच रहे। इंडिया डिमांड कर रही है पोको F2 के बारे में, लेकिन ये पोको M2 ले आए, M2 वो भी रिब्रांड कर दिए Redmi 9 Prime से, जो कि Redmi 9 Prime जो ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च किया जाता है। तो मतलब अपने ही फ़ोन को दो ब्रांडिंग करके बेचना, मतलब पहले फ़ोन में Redmi की ब्रांडिंग और इस वाले में आपको पोको की ब्रांडिंग। तो अगर 10,999 के प्राइस में आपको 6GB रैम की रिक्वायर्ड है कि हाँ आप मल्टीटास्किंग ज़्यादा करते तो आप ले सकते हो, नहीं तो आपके लिए इनफ है 464 वाला वेरिएंट 9,999 प्राइस में। दोनों में सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, टोटली ऑल टू ऑल सब कुछ सेम है। तो अगर 12,499 वाले वर्जन की तरफ जा रहे हो, तो मेरे हिसाब से उसमें की जगह आप थोड़े बहुत ऊपर नीचे 1,000-1,500 एक्स्ट्रा दे के
पोको का M2 Pro ले सकते हो, जो आपके लिए बेटर चॉइस और बेटर डील हो सकती है अकॉर्डिंग टू इन दोनों स्मार्टफोन, Redmi 9 Prime और पोको M2। बजट आपका फिक्स है, बढ़ नहीं सकता 9999 से, तो फिर मैं मान सकता हूँ कि हाँ Redmi 9 Prime आप ले सकते हो, क्योंकि आपका बजट थोड़ा बहुत, अगर आप बजट बढ़ा सकते हो, आपको अगर चाहिए 6GB रैम ऑप्शन तो पोको M2 के साथ जा सकते हो। बाकी कुछ नया नहीं है इन दोनों फ़ोन में, सेम टू सेम है, चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, पकड़ना तो आपको कहानी है ना कि है। तो बस ये कुछ हिसाब किताब है, पहले उम्मीद थी, ये तो कंफर्म था कि पोको का एक फ़ोन आने वाला, वो भी रिब्रांड करेगा रेडमी के किसी एक फ़ोन को। हम उम्मीद कर रहे थे रेडमी 9C 9A के करके, लेकिन इन्होंने रेडमी 9 प्राइम को ही रिब्रांड कर दिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं, पता नहीं पोको वाले कब सुधरेंगे, ये बस उम्मीदों पे, उम्मीदों का गला घोटते हुए जा रहे हैं। आखिर कब कुछ अच्छी नई चीज़ें होंगी जिससे लगे कि हाँ एक स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस वाले चैनल को। बाकी अगर इस वीडियो से आपका कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो तो मैं आपसे इंस्टाग्राम में मिल जाऊँगा, वरना थोड़ा सा वेट करिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद। कुछ नया नहीं है इस फ़ोन में, बस 6GB की रैम एक्स्ट्रा आपको मिल रही है।